मेरे प्यारे पिए परिवारजनों, जनचेतना का वो व्यापक रूप, त्याग और तपस्या का वो व्यापक रूप जन जन के अंदर एक नए विश्वास जगाने वाला वो पल आखिरकार 1947 में देश आजाद हुआ। हजार साल की गुलामी में संजोए हुए सपने देशवासी पूरे करते हुए देखे। साथियों, मैं हजार साल पहले की बात इसलिए कह रहा हूं, मैं देख रहा हूं फिर एक बार देश के सामने एक मौका आया है। इस ऐसे कालखंड में हम जी रहे हैं, ऐसे कालखंड में हमने प्रवेश किया है और यह हमारा सौभाग्य है कि भारत के ऐसे अमृत काल में, यह अमृत काल का पहला वर्ष है, या तो हम जवानी में जी रहे हैं या हम मां भारती की गोद में जन्म ले चुके हैं। और ये कालखंड, मेरे शब्द लिख करके रखिए मेरे प्यारे परिवारजनों, इस कालखंड में जो हम करेंगे, जो कदम उठाएंगे, जितना त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय एक के बाद एक फैसले लेंगे, आने वाले 1000 साल का देश का स्वर्णिम इतिहास उससे अंकुरित होने वाला है। इस कालखंड में होने वाली घटनाएं आगामी 1000 साल के लिए इसका प्रभाव पैदा करने वाली है। गुलामी की मानसिकता से बाहर निकला हुआ देश पंच प्राण को समर्पित होकर के एक नए आत्मविश्वास के साथ आज आगे बढ़ रहा है। नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए वो जी जान से जुड़ रहा है। मेरी भारत माता, जो कभी ऊर्जा का सामर्थ्य था लेकिन राख के ढेर में दबी पड़ी थी, वो भारत मां 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ है, उनकी चेतना से, उनकी ऊर्जा से फिर एक बार जागृत हो चुकी है। मां भारती जागृत हो चुकी है और मैं साफ देख रहा हूं दोस्तों, यही कालखंड है, पिछले 9-10 साल हमने अनुभव किया है। विश्व भर में भारत की चेतना के प्रति, भारत के सामर्थ्य प्रति एक नया आकर्षण, नया विश्वास, नई आशा पैदा हुई है। और ये प्रकाश पुंज जो भारत से उठा है, वो विश्व को उसमें अपने लिए ज्योति नजर आ रही है, विश्व को एक नया विश्वास पैदा हो रहा है। हमारा सौभाग्य है, कुछ ऐसी चीजें हमारे पास हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी है और वर्तमान कालखंड ने गढ़ी है। आज हमारे पास डेमोग्राफी है, आज हमारे पास डेमोक्रेसी है, आज हमारे पास डाइवर्सिटी है। डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की ये त्रिवेणी भारत के हर सपने को साकार करने का सामर्थ्य रखती है।